Fuck you with saying, get hit in your shit. Me walking here, bitch, you say it's a bliss. Let's off of here, I'm like a switch. Switch. Hey everyone, welcome back to my channel. तो आज है हमारे पास KTM Duke 200 और करेंगे इसका ownership review, क्योंकि इसके जो owner हैं वो हमारे साथ ही हैं. देखेंगे कि उनका क्या है review इस bike के बारे में, और आज भी उन्हें ये bike कितनी पसंद है इतने time use करने के बाद, और क्या वो इस bike को आज के time पे भी वापस से इसे purchase करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे. तो हमारे पास हैं विशाल जी जो इसके owner हैं. तो विशाल जी, आपने ये बाइक कब परचेस की थी, कितना टाइम आपको परचेस किया हुआ हो चुका है? 5 महीने हो गए. 5 महीने आपको ये बाइक परचेस किए हुए हो चुके हैं, और लगभग आपने इसको कितना चला लिया है? ये बाइक जो है 2424 किलोमीटर चल चुकी है, लगभग 2500 किलोमीटर ये चल चुकी है. और इसके बाद अब आपको क्या लगता है कि आज भी ये बाइक आपको उतनी ही पसंद है जितना आपको पहले फर्स्ट टाइम आपने लेने से पहले सोचा था, या फिर आपको इसमें कुछ कमियां ऐसी नज़र आती हैं कि आपका डिसीज़न जो है उस टाइम पे सही था, या आज आप सोचते हैं कि यार मैं दूसरी बाइक ले सकता था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन बाइक अच्छी लगी, सही है बाइक, माइलेज वगैरह भी सब सही है एकदम. अच्छा, तो क्या माइलेज आपको ये बाइक दे रही है? सिटी में 30 का देती है. अच्छा, सिटी में 30 का देती है, और हाईवे पे आपको ये 35 तक का दे देती है. अच्छा, इसकी जो सर्विसिंग कॉस्ट आ रही है वो लगभग कितनी आ रही है आपको? कितनी सर्विस आप करवा चुके हैं इसकी? दो सर्विस आप करवा चुके हैं, और क्या कॉस्टिंग आई है? वो तो फ्री वाली हुई होंगी अभी फिर? बस वही उसका ही मोबिल वगैरह का चार्ज लगता है. अच्छा, लगभग कितनी आ जाती है? 1800-1900 रुपये. हाँ, लगभग इतना पड़ जाता है, क्योंकि इसका जो मोबिल ऑयल है वो 7000 किलोमीटर पे चेंज होता है. नॉर्मल बाइक में आप देखेंगे तो वही 3000-4000 पे होता है, तो लगभग दुगना कॉस्ट उसका एक बार में बढ़ जाता है, तो लगभग इतना कॉस्ट आ जाता है. लेकिन अगर क्या लगता है आपको, जब इसकी पेड सर्विस होगी तो कितना चार्ज ये करेंगे? 3-3.5 के आसपास आपको लगता है, तो वो आपके लिए कम्फर्टेबल रहेगा, या आपको उस टाइम पर लगेगा कि हाँ यार अब मैं ज़्यादा पे कर रहा हूँ? अच्छा चलो, मतलब भाई को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसकी सर्विस जो है 3-3.5 तक भी चली जाती है तो भाई को कोई भी इशू नहीं है. अच्छा, अब आपने इतना इस बाइक को चला लिया, तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी लगी इस बाइक के बारे में? एक पहले तो इस बड़े भाग की रोड पर एकदम मैंने 150 चला रखी है. अच्छा, 150 की स्पीड आपने निकाली है? अच्छा ठीक है, ये भाई ओनर का खुद का एक्सपीरियंस है. और इसके बाद आपको उस टाइम पे इसकी ब्रेकिंग और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कैसी लगी थी उस टाइम पे? वो एकदम मस्त है सब कुछ, ब्रेक भी एकदम मस्त लग रही थी उस टाइम पे, हैंडल वगैरह भी एकदम डिफरेंट चलता बिल्कुल एकदम. अच्छा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी उस टाइम पे भी आपको काफ़ी सही लग रही थी, कॉन्फिडेंस आपका लूज़ नहीं हो रहा था? अच्छा, जैसे एकदम ओवरटेक मारते हैं इस तरीके से गाड़ी मस्त है. हाँ, मतलब ओवरटेक करने के लिए तो बहुत अच्छी गाड़ी है ही, क्योंकि 200cc का इंजन है, 25 PS की पावर मिल जाती है, तो मतलब काफ़ी इनफ पावर है, आप कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं. उसके अलावा आपको इसमें क्या और अच्छा लगा? सीट वगैरह इसकी मस्त है एकदम. अच्छा, सीटिंग आपको बढ़िया लगी? सीटिंग में मतलब ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि काफ़ी सारे ओनर्स का ये कंप्लेन करते हैं कि इसकी जो सीट है काफ़ी हार्ड है, तो उनको काफ़ी मतलब लॉन्ग ट्रैवल में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है. इवन सिटी में भी काफ़ी लोगों ने बोला है कि उनको प्रॉब्लम होती है सीट के साथ, तो आपका इस बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, मैं अभी लखनऊ गया तो मेरे तो कोई दिक्कत नहीं आई वैसे. अच्छा, आप लखनऊ गए थे, लखनऊ यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर है. हाँ, तो उसमें आपको कोई भी इशू नहीं हुआ? नहीं, हम दो लड़के गए थे कहने को, दोनों आराम से गए थे. अच्छा, आप दो गए थे और दोनों आराम कम्फर्टेबल होके गए अपने, ठीक है, बहुत बढ़िया. तो उसके बाद आपने इससे बाइक से आपने कहाँ कहाँ घूम चुके हैं, मतलब क्या कहाँ ट्रिप आप कर चुके हैं? मैं ज़्यादातर बस लखनऊ गया हूँ, लखनऊ मेरे भाई लेके गया था काफ़ी दूर दूर. अच्छा, वगैरह और कहीं गया था वो. अच्छा, मतलब आप जो है इस बाइक से 200 से 300 से लगभग 400 किलोमीटर तक की आप सिंगल साइड से ट्रैवल कर चुके हैं? अच्छा, तो मतलब फिर तो आपको काफ़ी अच्छे से पता चल गया होगा कि बाइक में क्या प्रॉब्लम्स है और क्या अच्छी चीज़ें हैं. बस इसकी यही थी, अभी पीछे एक गड्ढा सा आया था, मैं स्पीड पर था थोड़ा. अच्छा, तो मैंने स्पीड में निकाली तो गड्ढे में जो बाइक घुसी ना, तो चैन थोड़ी लूज हो गई, आवाज़ करने लगी.
अच्छा तो हाँ ये सब चीज़ें हो जाते हैं क्योंकि हाई स्पीड पे काफ़ी सारी चीज़ें डैमेज होने के चांसेस रहते ही हैं। तो स्पीड में लेके गया था बाइक तो वो गड्ढे में आ गई एकदम, तो चैन थोड़ी लूज हो गई, तो मैं सर्विस पर ले गया था, फिर भैया को बताया भी मैंने। अच्छा इसके अंदर दूसरी बात, फिर उस दिन मोबिल भी निकलने लगा था कहीं से। अच्छा इसमें मोबिल भी लीक होने लगा था। अच्छा अच्छा तो उसके बाद मोबाइल का इसमें क्या बताया उन्होंने कि मतलब कहाँ कुछ डैमेज अगर आया था वो क्या डैमेज आया था? बोले तो उन्होंने बोला था जैसा ऑन रोड होता है, जैसा ये गवर्नमेंट रोड है हाँ, उस पर तो कटर पटर नहीं करेगी ज़्यादा, जैसे फरंजे वरंजे के रोड आते हैं ना। अच्छा मतलब कच्ची रोड वगैरह होगी, कच्चे रोड वगैरह पर ये चीज़ है ना, ये चीज़ हाँ इसमें लगती है। अच्छा तो उससे लग जाता है ये, ठीक है, तो फिर उससे आवाज़ करने लगती होगी। अच्छा ठीक है। अच्छा जो आप मोबाइल बता रहे थे कि मोबाइल लीक करने लगी थी, तो उसमें कहाँ से क्या डैमेज हो गया था? ऐसा हुआ था जैसे मोबाइल इसका सही स्पीड में थी तो कहीं से एक्सीडेंट कुछ डैमेज हुआ था शायद। अच्छा हो गया, यहाँ इसको कोई बोल्ट ढीला हो गया था उस टाइम, तो उसमें से निकलना था बोल्ट। अच्छा बस यही दिक्कत हुई थी और तो कुछ नहीं हुई, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, बस इसके चैन की थोड़ी दिक्कत आ गई थी वो भी गड्ढे के कारण। अच्छा। मैं स्पीड में था। लगभग क्या स्पीड होगी आपकी? मेरी स्पीड होगी 110 तो होगी। अच्छा 110 के आसपास में थे और फिर आपका जो बाइक है वो एक गड्ढे से पार हो गई। जी जी गड्ढे में जैसे आई थी तो थोड़ा डैमेज भी हुआ, मेरा डिस्प्ले भी बिगड़ा। अच्छा तो उसी कारण थोड़ी सी इसकी चैन में प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, मतलब फिर वो हाई स्पीड पे हाँ। ये सब चीज़ों के चांसेस रहते हैं, मतलब आपको सेफ्टी से चलाने चाहिए। ऑल दो आपको 100 से अब ज़्यादा सिटी या फिर ऐसे एरिया में जाना नहीं चाहिए, मतलब सेफ राइड करनी चाहिए, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों का नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखना भाई। इस गाड़ी को चलाने से पहले एक तो बंदे के सिर पर हेलमेट जरूर हो। हाँ बिल्कुल, मतलब इस गाड़ी को नहीं, मतलब अगर आप कोई भी स्पोर्ट बाइक चला रहे हो तो आपके पास हेलमेट होना ज़रूरी है ही, क्योंकि हेलमेट सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं होता, हेलमेट आपकी खुद की सेफ्टी के लिए होता है। जी स्पोर्ट बाइक कोई सी भी हो उसके लिए हेलमेट होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। राइड ग्लव्स भी होने चाहिए दूसरी बात। बिल्कुल, मतलब सेफ्टी गेयर जो होते हैं सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं, तो अगर आप जितना इन चीज़ों को परचेस करेंगे तो ये आप अपनी सेफ्टी कर रहे हैं और ये बहुत सही चीज़ है, क्योंकि अगर आप एक ऐसी स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छी पावर के साथ आती है, और अगर आप एक हाईएस्ट सीसी की बाइक चला रहे हैं तो आपको सेफ्टी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट रखनी चाहिए जितनी आपने बाइक को इम्पोर्टेंस दी है। तो इसके हीटिंग के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको हीटिंग ऐसा इशू लगा या नहीं लगा, या नॉर्मल है, या आपको लगता है कि पैरों में इसकी हीटिंग आती है? हाँ जैसा सिटी में चलाते हैं जाम वगैरह मिलता है तो गाड़ी हीट नहीं हो रहा, मतलब कि हीट होने से थोड़ा ये पंखा चलने लगता है इसका। अच्छा मतलब रेडिएटर ऑन हो जाता है जैसे सिटी में? हाँ सिटी में होता है ज़्यादातर। अच्छा, सिटी में ऑन रोड जा चलाएंगे तो नहीं होने का इतना। अच्छा ठीक है, मतलब सिटी में तो वही है कि हाँ जाम वगैरह मिलता है तो जाम वगैरह से गर्म हो जाती है गाड़ी एकदम, तो उस टाइम पे आपको फील होता है कि हाँ मेरे पैर गर्म होने लगे, हीटिंग आ रही है। जी अच्छा, और इसके अलावा नाइट में इसकी जो हेडलाइट है उसका थ्रो कैसा है? बढ़िया एकदम, एक नंबर है। आपको कोई भी इश्यू नहीं हो? नहीं नहीं, अंधेरे में भी हर चलाओगे ना आप तो काफ़ी दूर तक का दिखाएगी। अच्छा मतलब आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगती कि यार मुझे इसकी जो हेडलाइट का बल्ब है वो मुझे चेंज कराने की अपग्रेड कराने की ज़रूरत है, आपको ऐसा फील नहीं होता? नहीं मैं ये तो लगता नहीं कुछ ऐसा सही रहेगा। मतलब ओवरऑल मैं देखूँ तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है ड्यूक 200 के साथ वो काफ़ी बढ़िया रहा है, आप फुल्ली सेटिस्फाई हैं इस बाइक से। तो अगर आपको अगर आज के टाइम में आप उतने ही पैसे आपके पास हो जितने आपने इस बाइक को लिया है, तो क्या आप आज भी इस बाइक को परचेस करना पसंद करेंगे या आप किसी और बाइक के साथ जाएंगे आज के टाइम? देखो वैसे तो मैं 200 चला रहा हूँ जी, अब तो खैर बड़ी लेने की सोचेंगे अब, और भी ज़्यादा 390 आई एफ ड्यूक वो लेने की सोच रहा हूँ अब दोबारा। वैसे तो आप इससे इतना सेटिस्फाई हैं कि आप इसी में और अपग्रेड करना चाहेंगे? जी जी। और इसके डाउन मतलब किसी और ब्रांड पे या फिर किसी और मोटरसाइकिल में आप नहीं जाना चाहेंगे? नहीं। ठीक है, मतलब आप फुली रिकमेंड करते हैं कि अगर आपके पास 2 से 2.5 लाख रुपए हो तो आप ड्यूक 200 की तरफ जा सकते हैं। जी तो ये था कंप्लीट ओनरशिप रिव्यू ड्यूक 200 का। जैसा कि आपको बताया उन्होंने कि वो आज भी इस बाइक से फुल्ली सेटिस्फाई हैं, और लॉन्ग टर्म रिव्यू हम जल्दी इनके साथ बनाएंगे और देखेंगे कि लॉन्ग टर्म रिव्यू इस बाइक का ओनर का कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं तब तक के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।